हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन जो दलहन है दालें हैं अरहर उड़द मूंग मसूर आदि का जो एरिया जिन क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है भारत में कितना होता है, स्टेट वाइज किसका कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तक अपने खाद्यान्न फसलों के बारे में अध्ययन किया, मोटे अनाजों के बारे में मक्का ज्वार बाजरा गेहूं के लिए कौन कौन से उनका अध्ययन किया। तो पहली जो महत्वपूर्ण फसल है ये उत्तर भारत में मुख्यतः एक सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है चना। जो शाकाहारी भोजन में दालें जो हैं, जैसे अपन लेते हैं दालें प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये अपन पढ़ते हैं। और दलहन फसलों के पौधों की एक विशेषता यह होती है कि इनकी जड़ों में उपस्थित कुछ विशेष तत्व भूमि की उर्वरता बनाए रखते हैं और वायुमंडल की नाइट्रोजन को अपने खींचते हैं। ये रोटेशन ऑफ क्रॉप के लिए भी, फसलों के लगातार एक ही फसल एक भूमि में बोते हैं तो दूसरी फसल बोने से ये वो फसलें हैं जो कि भूमि में जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भारत में दालों के प्रति प्रति हेक्टर जो उपज क्षमता बहुत ही कम है और यह मानसून पर निर्भर करता है। दालों की खेती उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है और बहुत कम ही ऐसी किस्में हैं जिनकी उत्पादक क्षमता अधिक है। अब पहली जो दालों के अंदर फसल है वो चना। चना जो है ये एक प्रमुख दलहन फसल है जो कुल दलहन क्षेत्र के एक तिहाई क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादित होता है और कुल दलहन फसलों की इसकी भागीदारी 40% है, लगभग 50 के आसपास पहुंच गई है 40%। मैदानी क्षेत्रों में मैंने भी डिस्कस किया स्टूडेंट्स, जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया के जो मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई रहित क्षेत्रों के साधारणतः ये एक रबी की फसल है जो अभी शीत ऋतु के लिए। उत्तर भारत में संपूर्ण भारत का लगभग 90% चना जो है वो उत्पादन क्षेत्र का कुल चने का 95% जो उत्पादन इन्हीं उत्तर भारत के क्षेत्रों के अंदर ही ये फसल उगती है। प्रमुख फसलों में से एक है ये भी उत्तर भारत की। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र ज्यादातर स्टेट्स हुई हैं जो कि मैदानी भागों के अंदर हैं और काफी सारे प्रांतों वो हैं जहां पर कि पैनल रिवर से पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश जिनमें नदियों का एक जाल बिछा हुआ है। चना उत्पादन के चने की खेती सामान्यतः शुष्क फसल के रूप में रबी के मौसम में की जाती है और बुआई एवं फली लगने के समय वर्षा चने की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। चने का जो उत्पादन पृथक मिश्रित कृषि के रूप में किया जाता है, ये मिक्स फार्मिंग के तौर पर भी इसमें किया जाता है और मिश्रित कृषि के रूप में इसे गेहूं जो सरसों आदि के साथ उगाया जाता है। इसके खेत का निर्माण ठीक उसी प्रकार किया है जैसे गेहूं के लिए, गेहूं क्योंकि रबी की फसल ये है तो गेहूं की जाती। चने की फसल महत्वपूर्ण किस्में है, ये एक महत्वपूर्ण है G130, H208, H355, T3, RS10, चफका अनगिरी आदि जो है इसकी चने की जो महत्वपूर्ण वैरायटीज है फसलें हैं। दूसरी जो फसल जो दलहन में जो फसल आती है अरहर, अरहर जो भी है वो भी एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न के तौर पे दालों में इस्तेमाल की जाती है और चने के बाद अरहर प्रमुख मैंने कहा कि एक दलहन फसल है। और इस फसल का जो उत्पादन है शुष्क फसल के रूप में ज्वार बाजरा रागी आदि खाद्यान्नों के साथ किया जाता है। जो अरहर की कृषि जो है वो उष्णाद्र एवं शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में होती है, जून जुलाई में वर्षा के बाद सामान्यतः खरीफ के मौसम। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी दलहन की फसलें रबी में बोई जाती है, कौन कौन सी खरीफ में बोई जाती है, सभी के अंदर आता है। तो अरहर जो है वो खरीफ के मौसम की एक महत्वपूर्ण फसल है और सूर्य की उपस्थिति वाला मौसम अरहर के लिए फूल निकालता है और फल पक रहा होता है तब उपयुक्त माना जाता है। अरहर के प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटका आंध्र प्रदेश उड़ीसा बिहार तमिलनाडु एंड गुजरात। तो उत्तर एंड दक्षिण भारत दोनों के अंदर ये फसल जो है उगाई जाती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो फसलों में से आता है उसमें दालें हैं जिसमें उड़द मूंग और मसूर। और मुख्यतः जो है ये मूंग और उड़द जो है ये जो है उत्तर भारत की महत्वपूर्ण जो है वो दालों की फसलें हैं।
उड़द, मूंग और मसूर, ये सभी प्रमुख दलहन फसलें हैं। इनमें से पहली दो, उड़द और मूंग, ये फिर क्वेश्चन बनेगा। दो जो खरीफ की फसलें हैं जिन्हें कपास, ज्वार, मक्का और मोटे अनाज के साथ उगाया जाता है। ये स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर क्रॉप कॉम्बिनेशंस में क्रॉप्स का जो कॉम्बिनेशन निकालते हैं उसके अंदर काफी महत्वपूर्ण है कि किसके साथ किस फसल का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये है, इन दोनों का जो है कपास, ज्वार, मक्का और मोटे अनाज से उगाया जाता है। प्रायद्वीप भारत के कुछ क्षेत्रों में गन्ना और धान की खेती के बाद उर्वरता प्राप्ति के लिए भी यही कहा था कि ये वो फसलें हैं जो भूमि के अंदर जो नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पूर्ति करने में सहायता करती हैं। प्राप्ति के लिए इन फसलों की खेती की जाती है। मसूर रबी की फसल है। तीसरी जो है ये कुछ एग्जामिनेशन में फिर मैं स्टूडेंट कह रहा हूँ कि इनमें से ये डिस्टर्बिंग रहेगी कि रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की। जो मसूर जो है वो रबी की फसल है, उड़द और मूंग जो है वो खरीफ की फसल है। रबी की फसल है जौ तथा सरसों के साथ उगाया जाता है। ये दालें हल्की दोमट, काली, लाल मिट्टी आदि में वर्षा के क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। थैंक यू।